ना एक बहुत बड़ी ना खुशखबरी आने वाली है। जो सपना दोस्तों हमने बचपन से देखा है ना, वो पूरा होने वाला है। यहाँ आने का रीजन है दोस्तों दूध। तो दूध पीने हम आ रहे हैं, तो गाय भी आ रखी है। तो पहले पहले जब गाय भी आते ना, तो ऐसा क्या होगा, तुम मानो तो सही, पहले तुम मान तो जाओ। ना जाएगा पालन, ना जाएगा, पूछ भी देंगे। तुम हाँ तो बोलो, पूछ भी देंगे। तो क्या करते हैं कि ठेकेदार जी से पूछते हैं, ये क्या है? ठेकेदार जी बता दो जरा। ये प्रथम विश्व युद्ध का तोप है। अच्छा, रजत भाई जी तो दोस्तों निकल गए हैं खेत की तरफ मांस वगैरह निकालने के लिए, यानी दाल निकालने के लिए। अब दोस्तों माँ भी मान गई है, तो आज की जो खुशी है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ देखो, ये देखो, यस, कांग्रेचुलेशन सौरभ भाई। एक बछड़ा मर गया है। हैं? बोलिए, एक बछड़ा मर गया है। बछड़ा कैसे मरा? पता नहीं क्या हुआ, इसने पानी दे दिया है। आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों, वो ठीक दिन के लंच से हो रही है। तो अभी अपना लंच भी आ गया है, तो दाल है और साथ ही में चावल है। तो दाल जो है वो देश दाल है, और घी देखो भाई साहब, इतना ज्यादा घी क्यों? अच्छा, ये बंडे हुई है, ये तो जरा कम दिन था यार, किले दिया देखो माफ। यहाँ देखो कितना ज्यादा घी रखा हुआ है मेरी माँ ने मेरे लिए। हाँ वो भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा घी देने के लिए। अब मेरी माँ घी भी कहाँ से दे हमें भाई? यहाँ देखो घी के हाल तो ये रहे, तो कहाँ से मिलेगी घी भी? तो पापा जी का अब घी खाने का तरीका ये है कि इसमें दाल मिलाई जाएगी, तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, है ना? थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। बाकी अपने लिए मैंने थोड़ा सा अचार रख दिया है, थोड़ी सब्जी रख दी है। तो लंच करते हैं दोस्तों, और फिर आपको मिलते हैं। माता जी, ओ माता जी, माता जी थोड़ा कल से मेरे से नाराज भी है वैसे, तो कल बात भी नहीं कर रही थी मेरे से ठीक से। क्यों नाराज हो रहे हो? अजी देखो भाई, इतना गुस्से में है ना, क्या बताओ यार। तो चलिए जी, अपना लंच वगैरह भी हो गया है, और ठीक 2 बजे का टाइम हो गया है, और अब जाके ना अपनी वीडियो की शुरुआत हो रही है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि सुबह से ना पानी भरने के काम पे लगे हुए थे, कपड़े भी धोए, पानी भी भरा, अंदर भी भरा, बाहर भी भरा, तो इसी के कारण वीडियो की शुरुआत नहीं हो पाई, वीडियो नहीं बनाई सुबह से। अब जाके ही वीडियो की शुरुआत हो रही है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, और मेरे प्यारे से गांव एरोली से, जो कि पौड़ी गढ़वाल के ब्रोखाल ब्लॉक में पड़ता है। अब अपने पहाड़ों में ना ठंड भी स्टार्ट हो गई है, यानी ठंड होना भी शुरू हो गई है। तो सुबह और शाम को ना ठंडा मौसम हो जाता है, और अपने ख्वाल तो और ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ से ना धूप बहुत जल्दी चली जाती है। अभी 2 बज रहे हैं, धूप देखो 50% चली गई है। 2:30 तक या 3 बजे तक तो पूरी धूप चली जाएगी, और इधर साइड पल्ली ख्वाल की तरफ तो फिर भी धूप रहती है। और आजकल अपने गांव के जो भी बैल वगैरह गाय वगैरह है ना, तो सामने वाले जंगल में चरने के लिए जाते हैं, तो अपने हीरा और मोती भी दोस्तों ठीक देखो यहाँ जा रहे हैं। हीरा जो है दोस्तों ये रहा, मोती ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो मोती तो ठीक है, वो बढ़िया चल रहा है, बट ये जो हीरा है ना यहाँ पे खड़ा हो रखा है, तो खड़ा हो रखा है भाई, यहीं पे खड़ा है बस, सुबह से देख रहा हूँ यहीं पे खड़ा है बस। उस देर पहले पापा जी मेरे को बता रहे थे कि ना वो वहीं पे खड़ा है, तो वहीं पे खड़ा है। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, वो बस 100 मीटर के दायरे में घूम रहा है, बस 100 मीटर में घूम रहा है उधर, उसके बाद ना फिर वहीं पे खड़ा हो जा रहा है, फिर घूम रहा है, खड़ा हो जा रहा है। साथ साथ में ना दोस्तों सुबह से एक और काम था कि जो भी हमारे मिनी खेत है ना, उनमें भी पानी वगैरह चारा पैप लगाया था मैंने, तो पानी वगैरह भी चारा सारे काम आज सुबह सुबह ही हुए। पहाड़ों में एक और चीज आपको बताता हूँ दोस्तों, कि जब भी ना आप नल की तरफ जाते हैं या हाथ मुंह धो के आते हैं, पानी वगैरह लेके आते हैं, तो साबुन ले जाने का तरीका एक ये भी रहता है, डंडी पे साबुन को लगा के लेके आते हैं हाथ मुंह धो के। ये कपड़े धोने वाला साबुन क्यों लेके गए थे? पर कपड़े धोने वाला से मैंने हाथ धोए ना, गंदे हो थे। अच्छा, कपड़े धोने वाला साबुन से? हाँ। तो नहाने वाला साबुन नहीं लाए? नहीं नहीं। अच्छा, कपड़े धोने वाले, चलो बढ़िया बढ़िया। साथ साथ में दोस्तों ताऊ जी की तैयारी हो रही है शायद घास वगैरह लगाने के लिए, है ना? पलकुंड, कितने पलकुंड लगाने आज? एक अपने, उन्हें जान बोल उन्हें। अच्छा, दूसरे वाले खेत में जाना है ताऊ जी, बल आज बाटू बिगड़ गए बल। तो दूसरे ताऊ जी बता रहे हैं, बोले उधर से चल बोल, उधर घास वगैरह हो रखा है बोला, तो इधर से चलते हैं बोल। तो दोनों ताऊ जी निकल गए। देखो आयुष भी दोस्तों स्कूल से आ गया है, और इसके लगातार से पेपर वगैरह चल रहे हैं, तो आज तो वैसे कला का पेपर था, तो कैसे रहा था? बढ़िया था। बढ़िया था, चार्ट बन गई थी, सुबह लगा था दोस्तों काम करने पे, चार्ट चेक भी नहीं हुआ। चेक भी नहीं हुआ? तो मतलब इतनी मेहनत बेकार चली गई या? हेलो
28 को होगा। अब तो दूसरा बनाएगा, मतलब वही रखेगा, उसकी कंडीशन तो बेकार भी है। अलग अलग तरीके अपना रहा है दोस्तों पटाखे फोड़ने के लिए। पहले डब्बे में फोड़ रहा था, अब बोतल लेके आ गया, अब बोतल के अंदर डाल रहा है। फिलहाल आरब और आयशा भी अपनी जेल में बंद है, तो देखो इनको भी यहाँ बंद करके रखना पड़ता है जिससे ये भागे ना कहीं। ये देखो आरब सिंह और आयशा दोनों के दोनों जेल में बंद हो रखे थे, तुम बाहर कैसे आ गए? हाँ किसको तोड़ के? इसको। दरवाजे को? हाँ। दरवाजा तोड़ दिया तुमने? हाँ। कैसे तोड़ा? कैसे तोड़ा? दीदी तो आ गई, मैं तो चढ़ी ऊपर। अच्छा तुमने खटखट मार दिया? हाँ। अतब निकल गया? हाँ। अच्छा अतब बाहर आ गए? हाँ। अरे भाई साहब खतरनाक, जितना बड़ा बैट क्या है दोस्तों उतना बड़ा तो आरब सिंह है। और ये देखो भाई साहब क्रिकेटर बनोगे क्या? अच्छा कौन से क्रिकेटर बनोगे? कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा खुद ही बनूंगा ये वाला, चलो बढ़िया है, गुड यार। असूस का टाइम है भाई दोस्तों, तो लगातार ना हमारे भैजी भी काम काज पे लगे हुए हैं। अभी देखो टाटा पकड़ा हुआ है, टाटा लेके जा रहे हैं। अच्छा भैजी तो दोस्तों निकल गए हैं खेत की तरफ मांस वगैरह निकालने के लिए, यानी दाल निकालने के लिए। आयुष भाई को भी मेरे पे आज बहुत बड़ा प्यार आ रहा है, कभी नमकीन खिला रहा है तो कभी देखो लॉलीपॉप खिला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो बाकी कुछ ही दिन पहले ना गांव के रास्तों का काम भी हुआ जो कि अब फिनिश हो गया है। तो ये देखो पूरी सीढ़ियां जो है ना मस्त तरीके से बन गई हैं। हाँ देखो भाई गांव में ना एक जेसीबी और आ गई है, मतलब दो दो पॉम्पलेन काम कर रही है, साथ साथ में जेसीबी भी आ गई है। काम तो नहीं हो रहा है मतलब, बट मशीनें जो है भरमार हो गई है, बट रोड का काम जो है वो पता नहीं क्यों रुका हुआ है। आयुष भाई से पूछते हैं, आयुष भाई मशीनें तो लगातार आ रही है बट काम क्यों नहीं हो रहा है? होगा जल्दी। कब होगा? हो जाएगा, अभी मैंने आदेश कर दिया। अच्छा आप ही हो गया ठेकेदार? अच्छा मुंशी हो गए ठेकेदार? हो मुंशी हो गए ठेकेदार? ठेकेदार हूँ, मेरे पास सारा काम है तभी तक। अच्छा मतलब आप ही करोगे? ओहो तो जल्दी जल्दी करो फिर, हमारे गांव के रोड पक्की कर देंगे, अभी बजट नहीं आया। अच्छा बजट नहीं आया? अच्छा कैसे ठगे तो तुम कैसे आ गए फिर यहाँ मशीनें लेके जब बजट ही नहीं है? तो ठेका पहले मिल गया। अच्छा ठेका पहले मिल गया, पैसे अभी आधे दे रखे। अच्छा आधे दे रखे? मैंने बोला मैं काम नहीं करूँगा। अरे यार क्या होगा फिर? पहले कैश फिर ऐश। अच्छा ओके ओके, पहले कैश मिलेगा तब रोड बनेगी, तब तुम ऐश करोगे रोड के साथ। अच्छा हाँ। आज में दोस्तों हमारे गांव की रोड पे ना एक और काम हो रखा है, तो ये वाली जो रोड क्या है दोस्तों हमें बेदीखाल टच करती है और बेदीखाल से ही दोस्तों हमारे गांव के लिए आ रही है। बाकी यहाँ पे देखो यहाँ पे ना ये बोर्ड बन गए हैं और गाँव गाँव में बन रखे हैं। बाकी अगर ये वाली रोड यहाँ से परिंडा टच हो गई तो फिर उसके बाद ना यहाँ पे देखो कालिंका मंदिर की फोटो भी बनी हुई है, तो कालिंका जाना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, हमें इस तरफ से जाना पड़ता है बट काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉन्ग रास्ता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ना दो दो मंदिरों की फोटो लगी हुई है, इस तरफ को आप माँ कालिंका के मंदिर की फोटो देख सकते हो, इस तरफ को दोस्तों भैरव बाबा की मंदिर की फोटो है, बट अभी क्या है कि इधर पेड़ है ना तो उसके चक्कर में दिखाई नहीं दे रहा है। और जब गांव में दोस्तों आप एंटर क्या हो जाओगे तो इस तरफ को आपको हमारे गाँव के ना दोनों मंदिरों की फोटो देखने को मिलेगी, इस तरफ माँ काली की मंदिर है और इस तरफ को माँ शेरावाली की मंदिर है। और रास्ता जो है हमारे दोस्तों मंदिर के लिए ना यही वाला जाता है, तो ऊपर की तरफ ही वो दोनों मंदिरें हैं जो कि यहाँ पे दर्शा रखी है। तो ये दोनों मंदिरें हमारे गांव की है, बाकी खूब सारी चीज़ें इस पे भी लिखी हुई है, जैसे हमारे ग्राम प्रधान जी का नाम लिखा हुआ है, गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए भी लिखा है, मेरा गाँव मेरा तीर्थ करके भी लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो, बड़ा मस्त है भाई, बड़ा मस्त लग रहा है ये वाला गेट भी। बाकी शाम का टाइम है तो कुछ ही देर में ना धूप वगैरह भी चली जाएगी, तो लास्ट देखो इस तरफ को धूप बच गई है। डाली डाली फू। अभी दोस्तों हम ठीक ना खिकराण के रोल में पहुंच गए हैं और पहले ना इस वाले रास्ते पे हम स्कूल जाते थे, तो पहले ये वाला रास्ता क्या था कि बड़ा गजब सा था, मतलब बिल्कुल साफ सफाई थी। अब देखो अब ना बहुत कम चलते हैं, स्कूली बच्चे भी बहुत कम रह गए हैं तो बहुत ही कम चलते हैं,
तो उसके चक्कर में देखो रास्ते जो है ना बिल्कुल देखो कैसे हो रखे हैं। अभी ऊपर दोस्तों ठीक कदोला गांव के ना पंदेरे के सामने हूँ और यहीं से नीचे के लिए रोड गई है हमारे इधर। बाकी ना रोड पे जो काम चल रहा है आजकल वो यही वाला चल रहा है, ये है दोस्तों कलमट। तो कलमट बनाए जा रहे हैं, साथ साथ में ना पुश्ते रखे जा रहे हैं देखो कलमट के साथ साथ ना। और पहले के जो कलमट क्या थे दोस्तों वो बनते थे कच्चे वाले, मतलब पत्थर पत्थरों से बनते थे, बट अब जो कलमट बनते हैं वो ऐसे बनते हैं यानी पक्के कलमट बनते हैं। और ये देखो इधर से ना जो ये चैया क्या है इतना उठा रखा है, तो इतने ऊपर तक रोड का लेवल होगा तब जाके रोड पक्की होगी, मतलब इतने ऊपर और उठेगी रोड। और अपने आयुष भाई की हरकत देखो, यहाँ रेत में खेल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 10 में चला गया बूढ़ा हो गया पर रेत में अभी तक खेल रहा है। ये देखो ऐसे पीटूंगा ना तेरे को, ऐसे पीटूंगा। रेत में कैसे खेल रहा है तू, रेत में कैसे खेल रहा है ऐसे। और दो कलमट तो दोस्तों बन गए हैं, ये वाला तीसरा कलमट बन रहा है। तो इस पूरी रोड पे ना 12 कलमट बनेंगे। एक कलमट तो मैंने आपको ठीक यहाँ पे दिखा दिया है, एक कलमट दोस्तों ठीक जहाँ से रोड की ना स्टार्टिंग है यानी कच्ची सड़क जहाँ से शुरू होती है यानी ठीक कदोला गांव के नीचे से। कदोला गांव दोस्तों ये ऊपर है। और आज दोस्तों कुछ काम वगैरह था नहीं तो हम सीधा ऊपर आ गए घूमने के लिए। आजकल लगातार से घास वगैरह कट रहा है बट घास काटने में जाता नहीं हूँ तो इसीलिए कुछ काम था नहीं तो ऊपर आ गए। रास्ते में हमें दोस्तों ये विचित्र चीज मिली हुई है, तो क्या करते हैं कि ठेकेदार जी से पूछते हैं ये क्या है। ठेकेदार जी बता दो जरा, ये प्रथम विश्वयुद्ध का तोप है। अच्छा, तो जब एरोली वर्सेस कदोला हुआ था। अच्छा, तो ये एरोली का है। इसका मुंह देख सकते हो कदोला की तरफ। अच्छा, तो जब हुआ था ये एरोली वाले यहाँ से हमला करते थे। अच्छा, इसमें एरोली ने विजय पाई, ये बच गया। अच्छा, कदोला के सब वो हो गए। अच्छा, तो आप ठेकेदार जी आप कहाँ से हो? हल्दी घाटी का है। अच्छा, तो हमारे जो ठेकेदार जी हैं वो तो ऐसे हैं खत्म इंसान। तो ये जो है ना दोस्तों ये है कोयलदार वगैरह घुमाने के लिए यानी उसको मिक्स करने के लिए, साथ साथ में इसमें सिमट और रोड़ी भी मिक्स होती है तो गट वगैरह रखने के लिए उसके लिए यूज किया जाता है। और ये बता रहे तोप है, सॉरी ठेकेदार जी, आपको पता है ठेकेदार जी? अरे अच्छा, गलती हो गई, आपका ही है सब कुछ। और ये देखो ये जितना भी रेता और बजरी क्या है ना ये सारा का सारा आ रखा है कलमट वगैरह के ही लिए। और अपने गांव के ऊपर ठीक रोड पे दोस्तों एक दुकान भी है और इसी के नीचे हमारे गांव के दोनों मंदिर हैं ठीक इस वाली जगह पे। अब हमारे जो ठेकेदार जी हैं दोस्तों उन्होंने हमें ओएस भी खाने को दे दिए हैं। ठेकेदार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, साथ साथ में दोस्तों गाँव में ना ट्रैक्टरों की भी खूब सारी भरमार हो गई है। और यहाँ देखो पहाड़ों का राजा। अच्छा, आप कभी आप ठेकेदार हो, कभी आप कुछ हो, कभी क्या? यार कुछ मैं सब कुछ मैं हूँ। आयुष जो है इस बार ना कामकाजी हो गया है तो घर भी आ गए हैं, अंधेरा भी हो गया है। और यहाँ देखो आग वगैरह जलाना भी उसने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले क्या होता है रात का जो प्रारंभिक काम रहता है ना दोस्तों वो रहता है पिंडू गर्म करने का, तो पिंडू बनाने का होता है। तो आयुष भाई ने आग जला दिया आज भाई, और आग वगैरह भी जल गई है, साथ ही में ठंडियों का टाइम आ गया है। तो जो हमारा पहाड़ी गीजर क्या है दोस्तों वो भी निकल गया है, देखो अब इसमें भी पानी गर्म होगा। ये हमारा कलचा है यानी पहाड़ी गीजर है भाई। बाकी शीतल भी आ गई है बिरोखाल से, तो आज बिरोखाल जा रही थी। साथ ही में सबसे पहला जो काम रहता है वो रहता है पिंड वगैरह तैयार करने का। तो शीतल जी कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा, हो गया काम? मेरे पैर दर्द हो गए। अरे यार शीतल पैदल पैदल दोस्तों बिरोखाल गई, पैदल पैदल आई तो बोला पैर दर्द हो रहे हैं बस। तब भी मेरे पे तरस नहीं खा रहे हैं, काम करा रहे हैं मेरे। अच्छा, ये काम हो कोई दो बैठे बैठे काम नहीं है। मैं बिरोखाल जाती हूँ, पैदल भी जाती हूँ, पैदल आती हूँ, सामान भी लाती हूँ, तुम्हारे लिए खाने के लिए भी लाती हूँ। तुम कितना तरस खाते हो? अभी नहीं खाते हो? चलो भाई अभी सीधा भाई दोस्तों सौरभ भाई के घर में भी आ गए हैं और अभी सौरभ भाई के पहाड़ी किचन में पहुंच गए। ताई जी ने रात के खाने की तैयारी में कर दी है, देखो सभी चीजें कट के एकदम मस्त भाई है। दूध छे छे सुबेरा को। अरे वाह, दादी दूध लेके भी आ गई। तो ये जो दादी दूध लेके आ रही है चाय के लिए लेके आ रही है और सौरभ भाई के गाय भी ब्याह रखी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ भाई। बछड़ा कैसे मरा? पता नहीं क्या हुआ, इसने पानी दिया है। हैं? बछड़े को पानी देके मर जाता है। यार सौरभ भाई तुमसे ये उम्मीद ना थी, तुम्हें पता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं बछड़े को पानी नहीं पिलाते, 5 महीने तक नहीं पिलाते, 5 या 3 महीने तक। 5-6 महीने का हो गया। मैं डेली गौशाला में जाता था, डेली पानी दे देता उसको। हाँ कल पता चला कि उसके पैर टूट गए। अबे बहुत दुख की बात है यार।
अरे एक तरफ खुशखबरी एक तरफ दुख। सौरभ भाई क्या कर दिया तुमने ये? चलो कोई बात नहीं यार, होता है, मैंने पिला दिया एक दिन पर कुछ नहीं हुआ उसको। तुमने डेली डेली पिलाया ना, तेरी गड़बड़ हुई। यहाँ आने का रीजन है दोस्तों दूध, तो दूध पीने हम आ रहे हैं, तो गाय भी आ रखी है। तो पहले पहले जब गाय भी आते ना तो ऐसा दूध होता है देखो जिलकुड़ों वाला, और अभी ना इसमें गुड़ डाल रखा है तो इसका कलर अभी देखो ऐसे हो रखा है, यानी बिल्ली डाल रही है। बैजी को शायद ये वाला दूध पसंद है, तो बैजी पसंद है? एक नंबर, एक नंबर ना। चलो स्वाद लो फिर, तो चले जी अभी दूध पी के ना सीधा अपने घर की तरफ भी आ गए हैं। और इस तरफ बन रही है दोस्तों गर्मा गर्म रोटियां, जो कि शीतल बना रही है, साथ में आयशा सीख रही है शायद शीतल से। आयशा सीख रही है क्या रोटी बनाना? है अच्छा। बाकी दोस्तों जल्दी ना एक बहुत बड़ी ना खुशखबरी आने वाली है, जो सपना दोस्तों हमने बचपन से देखा है ना वो पूरा होने वाला है। बट क्या है कि ना माता जी को अभी मना रहा हूँ, पर मेरी माता जी जो है वो मान नहीं रही है। अभी माता जी बोल रही है कि तू खुशखबरी बोल और डेल मनी भीतर नहीं आला, डेल में नाच रहा है बालक। तो माता जी को मना रहा हूँ, होगा क्या क्या होगा? तुम मानो तो सही, पहले तुम मान तो जाओ। नाच जाएगा बालक? नाच जाएगा, पूछ भी देंगे तुम? हाँ तो बोलो, पूछ भी देंगे। बालक को नचाना है, नचा भी देंगे और पूछ भी देंगे। अच्छा, खुश हो जाएगा? हाँ ठीक है, मान जाना, मान जाएंगे। हाँ दुपड़ करण, बस दुपड़ करण पड़न बालन कर, बुएकड़ भी करण पड़न के लिए बेनी मन नहीं ना। तो बताओ कब तक मानोगे आप? यार मतलब ऐसा मतलब नहीं था यार, ऐसे तुम तो फंसा रहे हो। तो कब तक मानोगे बताओ? डन है? हाँ हाँ बोल दो यार। मैं क्या बोलूं, डन तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। तो अभी माता जी को मनाते मनाते ना दोस्तों मुझे 3-4 दिन हो गए, तो माता जी अभी मान नहीं रही है थोड़ा। कब तक मानोगे बताओ? जब तक पुजारी मानेगा। पुजारी, बड़े पुजारी को मनाना पड़ेगा। अरे यार ऐसा मत बोलो यार, तरफ से पूरी इजाजत है। ठेकेदार साहब, ये तो है पुजारी, ये है कि पुजारी ठेकेदार, ये तो ठेकेदार है भाई। पुजारी है बस, मेरे देने पहले ठेकेदार है बस, देख बालन को। अच्छा तुम्हें आता है बालन नचाना? बालन नचाना, आप जाओ। पापा जी भी आ गए, बालन बालन नचाने के, बालन बालन सुन के पापा जी भी आ गए, बालन सुन के सीरियस हो गए पापा जी। पापा जी किसको निमन दो जो कह ना निमन दो एक ना भले जान की मतलब कि मैं 4 बालन भजना आप ढंग से। अच्छा जब हम गोड़ों का बालन पूछ दा ना, हां बजान बजान पूछ दा। हां ये मतलब बालन से को बदी, हां हां हमारे को बदी बजान पूछ दा। अच्छा तो वो ने बद बोल दी थे कि लोग मतलब का हो अच्छा कोई अगर बोलियो नहीं मन जो तो एक बोलियो जमी चार पालन पूछना तो वो एक दो बोलियो नहीं मन नहीं तब। अच्छा ऐसा होता है? तो अब बोलेखन बनी जा है बोलेखन मैं नहीं बनो चू माँ बनी मैं गड़ी। हमारी माता जी बोल रही है कि बोले दिल नहीं आ लड़ा और बोल दिल नहीं क्या बोले भीतर नहीं आ लड़ा दिल में जो पालन। अच्छा तो बोल मात मैं बोल रहा हूँ माता जी आप मान जाओ, आप मान नहीं रहे हो ना। काका गणी है, काका गणी है कुछ सरप्राइज वो अभी नहीं करना है ना रिवील, पहले हो जाए तब रिवील करना है ना। बालन देवता नाच जाएगा तो पूछ देंगे, नहीं नाचेगा तो नहीं पूछेंगे। फिर अगर पहले ही बता दिया तो फिर ना होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पापा जी आप रेडी हो? रेडी हो पक्का? बता दे हुँ? पहले बता दो दे। नहीं अभी नहीं बता सकते ना। क्यों? आप बताओ आपका ओके है, हाँ या ना? यस या नो? पापा को पता है, मुझे पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है। हाँ तो अभी तो दोस्तों वो चीज ना मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ कि क्या है, बट आने वाले टाइम में तो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है और मेरे लिए भी सरप्राइज है। ये सपना दोस्तों हम बचपन से देखते हैं, मतलब बचपन से ही मतलब ये सपना था मेरा, बट देखते हैं पूरा होता है कि नहीं होता। अभी तो कन्फर्म भी नहीं है कि पूरा होगा कि नहीं होगा। होगा माता रानी की कृपा।
होगी तो हो जाएगा। अरे यार देखते हैं तब है, देखते हैं तब हो जाएगा। तो मान गए देवता, ये देवता भी मान गया, माता जी हमारी मान गई भाई, दोस्तों मान गई ना। हाँ मान गए, स्माइल देखो भाई यार, स्माइल देखो मेरी माँ की, कितनी प्यारी स्माइल है, बहुत प्यारी स्माइल करती है, मस्त है। देखिए स्माइल करी माँ, ये देखी क्या, नहीं अरे इसको देख के बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही माँ, देखी गंदे मित्र। तो क्या खा रहा है बोला, कहाँ से लाया, बाहर से रख रखे है, कौन लाया बोला, अरे वाह जुकाम लगा है, आंवला कहाँ से लाया, जुकाम लगा है तभी तो आंवला बुखार है, जुकाम में ठीक होता है क्या आंवला है, ओहो खटू में ना लंबे तोड़ो। और इसका नाम भी दोस्तों एक नया रख रखा था इसने खुद, उच्चारण सही से कह, दलवंत नीचो दलवंत दल मतलब डाल से, अच्छा वैसे अच्छा मतलब जा। तो कौन है वो, आप हो सोनी, वो शक दूध दिव्य शक्ति, अच्छा वो दिव्य शक्ति जी, ये शक दूध है रा मिनी चो, तो ये शक्ति तुम्हारे अंदर आ नहीं तब कैसे लोग वैसे जरूरत पड़े, अच्छा आ सकते, तुमने निम्बू आसन भी नहीं दिखाया है, ये शक्ति भी मुझे लग रहा है नहीं देखने को मिलेगी है ना, आएगा बोलता ही बोलता है करता कुछ नहीं है, करेगा ये कभी चुटकुला मार देगा, वही तो बोल रहा करेगा ये कभी, पता नहीं वो जाने है, हंसा हंसा के पागल बना दिया था लोगों को हमको, वही तो डलवंत देवता, डलवंत देवता, हाँ अब सही बोला ना। खुशी इस बात की है दोस्तों, माँ भी मान गई है, और देखते हैं फिर ये सपना पूरा होता है कि नहीं होता है, बट देखते हैं कैसे होता है, मतलब हो रहा है बट उस तरीके से नहीं हो रहा है, बट हो तो रहा है, मतलब ऐसा है। अब दोस्तों माँ भी मान गई है, तो आयुष की जो खुशी है वो कुछ इस प्रकार है, यहाँ देखो ये देखो यस खुशी है अलग लेवल वाली। बाकी अभी जो टाइम क्या है दोस्तों, ठीक ना रात के 8 बजे का हो रहा है, कुछ ही देर में डिनर वगैरह भी बन जाएगा, वैसे तो हमारा जो डिनर क्या है वो लेट ही होता है, पर देखते हैं कब तक बनता है, फिर बढ़िया से डिनर वगैरह करेंगे। तो चले जी डिनर का टाइम भी हो गया है, और डिनर में आज फिर देखो कद्दू की सब्जी है भाई, तो कद्दू की सब्जी खाने वाले हैं, साथ में चावल वगैरह भी हैं थोड़े बहुत, तो देखते हैं रोटी चावल और कद्दू की सब्जी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उतर।